बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। माय सेल्फ अभिषेक शर्मा, मैं हूं आप लोगों का जीएस का कोच और मेरे पास 15 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर आईएएस एग्जाम, पीसीएस एग्जाम, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज और डिफरेंट पीएसयू एग्जाम्स के लिए। बच्चों, आज की जो शॉर्ट सेशन है 5 मिनट की क्लास, इस क्लास में मैं आपको आज जो टिप्स देने वाला हूँ वो इंटरव्यू में एक बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन, जो जित सारी गवर्नमेंट जॉब्स में पीएसयू के अंदर, ईएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन का एक परफेक्ट आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ बच्चों, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि प्राइवेट जॉब छोड़ करके या प्राइवेट जॉब में ना जाकर के आप गवर्नमेंट जॉब में क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि आप किसी पीएसयू में जाना चाहेंगे या आप किसी जो है ईएससी वगैरह को ज्वाइन करते हैं, तो इंटरव्यू बोर्ड ये अक्सर क्वेश्चन करता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब में क्यों आना चाहते हो, आप इंजीनियर हो तो प्राइवेट जॉब में क्यों नहीं जा रहे हो, या आप प्राइवेट सेक्टर में इतने सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं तो आपने प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं चुना, क्यों आप गवर्नमेंट जॉब के लिए इतनी मेहनत करके इतनी पढ़ाई करके आना चाह रहे हो, ऐसा क्या है गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो प्राइवेट जॉब में नहीं है, तो प्राइवेट जॉब से बेटर क्यों है गवर्नमेंट जॉब। तो बच्चों, जनरली बच्चे इसका आंसर जो है बहुत आइडियलिस्टिक वे में करते हैं, जो कि अब उतना प्रैक्टिकल नहीं माना जाता है, लगता है कि यार ये जो है बहुत ज्यादा अब आइडियलिस्टिक वे में आंसर दिया जा रहा है और ये सही नहीं है, केवल इतनी बात तो नहीं होगी। आइडियलिस्टिक वे क्या होता है, बच्चे कहते हैं मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, राष्ट्रभक्ति के कारण इस तरीके की बातें बोलते हैं, 1% मतलब एक हिस्सा ये भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ सोल राष्ट्रभक्ति या राष्ट्र की सेवा करने के लिए तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा रहे हैं, सबको मालूम है, इंटरव्यू बोर्ड को भी मालूम है। देन बी प्रैक्टिकल, उस आंसर को रखिए जो आंसर जेन्युइनली हो। तो इसका बेटर आंसर क्या हो बच्चों, मल्टीपल एस्पेक्ट से इसका आंसर दीजिए, क्योंकि मल्टीपल एस्पेक्ट से ही हम गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन भी करना चाहते हैं। अब वो मल्टीपल एस्पेक्ट है क्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंटरव्यू बोर्ड पसंद करता है ना, वो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। तो आप ये दिखा सकते हो कि सर प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत ही लिमिटेड दायरे में और केवल लिमिटेड कस्टमर्स के लिए हम काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एक लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको मिलती है, लार्जर पार्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए हमें काम करने का मौका मिलता है। उससे होता क्या है कि एक तो सोसाइटी के अंदर रिकॉग्निशन बेटर मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में सोशल रिकॉग्निशन उतना नहीं मिलता जितना गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सोशल रिकॉग्निशन मिलता है। साथ ही साथ जब आप लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे, सोशल रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, साथ ही उस लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए लार्जर अथॉरिटी भी मिलती है, तो बेटर अथॉरिटी मिलती है गवर्नमेंट जॉब पर, जो कि प्राइवेट सेक्टर पर नहीं मिल पाती है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सोसाइटी के प्लानिंग, उस अथॉरिटी की बेसिस पर सोसाइटी के लिए प्लानिंग करने का मौका मिलता है, जो कि एक सेंस ऑफ प्राइड देता है हमको। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है जॉब सिक्योरिटी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर उतनी जॉब सिक्योरिटी नहीं है जितनी कि गवर्नमेंट सेक्टर में मिलती है, तो हर व्यक्ति अपनी लाइफ को सेटल करना चाहता है, अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहता है, तो वो जॉब सिक्योरिटी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में बेटर है इन द कंपैरिजन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बच्चों। और ओवरऑल देखें तो इसके साथ ही साथ एक सेंस ऑफ सर्विस ऑफ द नेशन मिलता है गवर्नमेंट सेक्टर के साथ काम करने में, वो प्राइवेट सेक्टर में उतना नहीं मिल पाता जितना सेंस ऑफ सर्विस ऑफ द नेशन जो है वो मिलता है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। तो ये इतने सारे अट्रैक्शंस गवर्नमेंट सेक्टर के साथ अटैच्ड हैं, जो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं हमको गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ। तो अगर मैं समराइज करूं बच्चों, इस आंसर को समराइज करूं 5-6 पॉइंट्स के अंदर, तो एक जो आपको जिस पर अपनी बात को रखना होगा, एक रखिएगा लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा रखिएगा बेटर रिकॉग्निशन इन सोसाइटी, तीसरा प्लानिंग फॉर द सोसाइटी, चौथा बेटर जॉब सिक्योरिटी, पांचवा बेटर अथॉरिटी और छठा फीलिंग ऑफ नेशनल सर्विस बच्चों। इन पॉइंट्स के चारों तरफ अपने आंसर को अगर आप फ्रेम करते हैं तो ये एक परफेक्ट आंसर निकल करके सामने आता है, इसको बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू बोर्ड एक्सेप्ट भी करता है। तो ये छोटा सा सेशन था आपको एक इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए टिप्स देने के लिए।
तो आई होप आपको जो है ये सेशन पसंद आया होगा। ऐसे सेशंस अब आपके पास हफ्ते में रेगुलर जो है एक एक दिन बाद या एक एक दिन छोड़ करके आपके पास आते रहेंगे, एक 10 मिनट की क्लास से और 5 मिनट की क्लास से। 5 मिनट की क्लास थी आज सुबह, 10 मिनट की क्लास भी आई है जिसमें मैंने स्पेशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ाया है, उस क्लास को भी देखिएगा, 10 मिनट की क्लास को। ठीक है, तो फिर कल फिर मिलेंगे। वैसे करंट अफेयर शो में जो डेली सुबह 11 बजे हमारी मुलाकात होती ही है बच्चों। थैंक यू, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों। और वीडियो का लाइक शेयर तो बनता है ना, इतना तो बनेगा, तभी मैं अगला वीडियो भेजूंगा। थैंक यू, थैंक यू।